दोस्तों स्पीडो मैच जो कवर करने वाले आयरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच जो कि एक मैच खेला जाएगा, अगर आप देखो तो T20 मैच है, प्रोफेशनल मैच, बट फिर भी लोग ऐसे मैचेस नहीं खेल रहे, पता नहीं क्यों। जबकि T10 मैचेस लोग दबा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें खेलने में। बता दो, अगर आप T10 खेलो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि T10 में पूरी तरीके से फिक्सिंग चलता है, वहाँ पे आपका इन्वेस्ट करना वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन आप ऐसे सीरीज खेल सकते हो जहाँ पे प्रोफेशनल भी है, प्रोफेशनल प्लेयर्स भी है, और साथ ही साथ कोई भी फिक्सिंग यहाँ पे नहीं चलता है। तो मैं प्रेफर करूंगा अगर आप ये मैच खेलो तो बहुत अच्छी बात है। 8:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। आप सबसे पहले हमारे फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैट ज्वाइन कर लीजिए। एक बार अगर आप टेलीग्राम चैट ज्वाइन कर लेते हो तो लाइफ टाइम आपको फ्री विनिंग टीम मिलती ही मिलती है। जरूर से टेलीग्राम चैट ज्वाइन कर लेना। मैं कमेंट बॉक्स लिंक पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दो, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक सिंगल पैसा होता है ना उसको भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो जरूर से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल फाइन टीम के लिए, जहाँ पर अपडेट वगैरह। बस एक रिक्वेस्ट है कि फेक मत ज्वाइन करना, ऑफिशियल ज्वाइन करना। कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। और ऑफिशियल ज्वाइन करना, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं टाइम पास वगैरह नहीं करना चाहूँगा कि ये स्टार्ट से कुछ सिलेक्शन देखो टीम, ये सब बेवकूफ़ी है। अपना स्किल यूज़ करो और टीम क्रिएट करो, सबसे बेस्ट। पता नहीं क्या हो गया, मतलब लोग बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, ना वीडियो को देख रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। मतलब ऐसे मैचेस लोग नहीं खेल रहे, जबकि ऐसे मैचेस में पर्स बता रहा हूँ ना, यूआई ट्वीटेड में बहुत ज़्यादा फिक्सिंग चल रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़, इतने सारे प्लेयर्स बैन हो रहे हैं ना, लेकिन फिर भी लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कि क्या सोच के इन्वेस्ट करते पता है, मतलब जी वो सिर्फ 10 ओवर का सीरीज है, टाइम बच जाएगा और पैसे कमा लेंगे, बट वो वेस्ट ऑफ मनी है, उसमें कोई पैसे नहीं कमा पाते क्योंकि फिक्सिंग बहुत ज़्यादा चलता है, हर एक प्लेयर बैन हो रहा है। ये थर्ड मैच है, मैंने फर्स्ट मैच भी कवर किया था आपको याद होगा, और सेकेंड मैच भी आई थिंक मैं कवर किया ही था। तो ये थर्ड मैच इसको हम देखते हैं, आयरलैंड जो कि नेदरलैंड्स के साथ खेल, स्कॉटलैंड भी नेदरलैंड्स के साथ खेल के आ रही है। तो मैं सबसे पहले चेक करना चाहूँगा स्कॉटलैंड के, पहले आयरलैंड की चेक करते हैं, ये तो फेवरेट टीम है, उसके बाद स्कॉटलैंड के देखेंगे। विन करके भी आ रहे हो उसे आयरलैंड, आयरलैंड की टीम से वही मैं बोला था, जो प्रेडिक्शन आपको मैंने शेयर किया था वही हुआ ना। मैंने बोला था ना एंडर वेलबेरिंग स्कोर जनरली नहीं करते, फर्स्ट मैच 11 रन पे ही आउट हो गए, लेकिन चलते थे 40-50 रन मारते थे, लेकिन पता नहीं क्या है इस बंदे का। वैसे मैंने बोला था प्रेडिक्शन कि फ्लॉप ही जाएगा। पॉल स्टिंग जो कि 11 रन स्कोर तो खेले, पावर हीटर ड्रॉप करना भी रिस्क फैक्टर है उसके, टक्कर जो कि टीम 10 पहली बात हो, वरना बैटिंग कर रहे और जबरदस्त फॉर्म में चल रहे, पिछले कुछ सालों से देख रहे, लगभग 1-1.5 साल से देख रहा हूँ, बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है। वरना बैटिंग जब से मिल गया है ना तब से आग लग रहा, हालांकि मिडल ऑर्डर में था तब भी आग लगाता था, मिडल ऑर्डर बहुत अच्छे से संभालता था, बट अब वरना बैटिंग मिल रहा है। उसके अलावा हैरी टेक्ट और फोना बैटिंग है, बट टक आउट हो गए। क्रिस्टस कैंपर जो कि फिर बैटिंग करे टीम 10 से काफ़ी जबरदस्त है, जॉर्ज डॉगल्स ने बैटिंग करे, ग्रेट डेली 7 पे पहले ऐसा बैटिंग ऑर्डर नहीं रखा था, 3-4 साल पहले की बात है। पहले ये दोनों ओपन करते थे, वन डाउन आते थे ग्रेट डेली, आपको पता होगा, फिर कैंपर आते थे, हैरी टेक्टर से आते थे, कैंपर भी उस समय नहीं थे। छोड़ो बहुत पुरानी बात है शायद, छोड़ो इंडिया की बैटिंग ऑर्डर ठीक है, टकर का फॉर्म नहीं, अभी भी फॉर्म है, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। कैंपर थोड़ा सा गलती से आउट हो गया था ना। बॉलिंग इसके बात करें तो मार्क एडर जो कि पावर प्ले बॉलिंग किए, निवल से स्टार्ट किए, 2 विकेट चटकाए, बैरी मैकेटी 4 बॉलिंग के विकेट लेस गए, फिनोन हैंड 4 बॉलिंग के 3 विकेट लेके गए, क्रिस्टस कैम्पर 4 बॉलिंग के 2 विकेट चटकाए, बेन वाइट 2 ओवर बॉलिंग के, डॉकरेल 2 ओवर बॉलिंग किए। तो ठीक है, इनका बॉलिंग लाइनअप मुझे लग रहा है कोई कमजोर नहीं है। ग्रेट डेली बॉलिंग क्यों नहीं किया मुझे समझ नहीं आया, मतलब ये डॉकरेल को बॉलिंग दे दिया, ग्रेट डेली को बॉलिंग देने में कुछ कमी था क्या? यही कन्फ्यूजन ना होता है बाद में, आज ड्रॉप कर दूंगा तो क्या पता विकेट ले जाएगा बॉलिंग करके, क्या यार ये सब। ठीक है अब एक बार स्कॉटलैंड का देख लेते हैं, ये भी अच्छी टीम है, कोई कमजोर टीम नहीं है भाई, ये भी एक तगड़ी टीम ही है, बट हार क्या रही पता नहीं कैसे। स्कॉटलैंड की टीम 10 देखोगे, ये लोग बैटिंग ऑर्डर इतना छेड़छाड़ क्यों करते हैं भाई। टीम 10 देखोगे ओपन किए थे टीम 10 से, हाँ मिचेल जोन जो कि टीम 10 ओपन किए थे, टीम से काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर टीम 10 से, माइकल जोन्स ओपन किए थे ओली हरीस के साथ। देखो हरीस अच्छा प्लेयर मानता हूँ, माइकल जोन्स से ज़्यादा मैचेस खेले, बट हरीस अच्छा है टीम 10 से। पहली बात तो अच्छी नहीं खेलता है लेकिन बहुत कम मैचेस खेला है। उसके अलावा चार्ली टेलर जो कि टीम से वरना बैटिंग करे, रिची ब्रिंगटन फोना पे, मैथी क्रॉस भी इतना बैटिंग है लेकिन इनफॉर्म बनना है, जैसे टक्कर है ना इस तरीके से, ये क्रॉस बहुत इनफॉर्म, मैथी क्रॉस, रिची ब्रिंगटन लास्ट में स्कोर किया लेकिन यार। उसके अलावा माइकल इस चुकी अवेलेबल है, ठीक है इनका बैटिंग ऑर्डर उतना भी कमजोर नहीं है, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता था अगर इनके कुछ अगर सीनियर प्लेयर्स खेलते, बट उतना टॉप ऑर्डर मुझे थोड़ा सा वीक सा लगा, बस हरीज के अलावा टॉप ऑर्डर थोड़ा सा वीक है, तो हो सकता है पावर प्ले विकेट गिरेंगे देख लेना। उसके अलावा देख लो बैटिंग ऑर्डर इनका भी क्लियर है, माइकल इस तक शायद बैटिंग आएगी। बॉलिंग की बात करें तो नी बॉल से स्टार्ट करते, सबसे पहले पावर प्ले बॉलिंग के ब्रैडी क्यूरी जो कि टीम से काफ़ी जबरदस्त पे 1 विकेट चटकाए, क्रिस शोले जो कि दैथन बॉलिंग करते हैं 2 विकेट चटकाए, उसके अलावा गैविन मैन जो कि टीम से 2 विकेट लेके गए, मार्क वार्ड 1 ही विकेट मिला,
क्रिस ग्रिप्स जो कि पावर हिटर है, सिर्फ एक और बॉलिंग मिला। माइकलिस जो कि एक और वो तीनों बॉलिंग भी डाल दिया। थोड़ा बहुत चेंजेस इन लोगों ने भी किए है भाई। लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें फाइन टीम के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन करें। लिंक 100% काम करता है, कमेंट बॉक्स लिंक पिन करूंगा। एक उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं चाहता हूँ, एक छोटा सा सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग हमारी खुद की ऐप फैनवर्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप अभी रजिस्टर्ड करते हो तो आपको 100% रियल कैश मिलता है। कुछ नहीं करना, आप वीडियो देख रहे हो, जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस तरीके का लिंक दे दूंगा। ठीक है, इस तरीके का लिंक रहेगा, बताता हूँ। देखो इस तरीके का लिंक रहेगा, वीडियो में दे देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर लेना, अभी दिया भी होगा उसमें। जाना इस तरीके का लिंक रहेगा, फैनवर्स का लिंक रहेगा, जो कि हमारी खुद की फैंटेसी ऐप है। इस पर क्लिक करना, आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे, मोर वाला सेक्शन है उस पर क्लिक करना। ठीक है, इससे लिंक ओपन हो जाएगा, इससे इंटरफेस आ जाएगा। उसके रजिस्टर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना, आपको 100% रियल मनी मिलेगा। यूजर नेम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर पर क्लिक करना, सक्सेसफुल रजिस्टर्ड है। ये हमारा खुद का फैंटेसी ऐप है, अभी लॉन्च नहीं हुआ ऐप, लेकिन कुछ ही दिन में लॉन्च हो जाएगा। लेकिन उससे पहले रियल कैश बांट रहे हैं, तो आप लोग फायदा उठा लेना। अभी रजिस्टर करोगे तो ही रियल कैश मिलेगा, क्योंकि ऐप लॉन्च नहीं, बताओ आप साइन अप करने जाओगे तो उस समय आपको रियल कैश नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, बोनस तो मिलेगा ही, रियल कैश भी दे रहे हैं, और 50 नए फीचर जो कि आज तक किसी भी ऐप के पास नहीं। ये फीचर मैं भी खुद कितने सारे ऐप का आपको पता होगा प्रमोट किया हो, लेकिन ये मेरी खुद की ऐप है, तो समझ सकते हो मैंने कितने सारे फीचर्स ऐड किए होंगे। 50 नए फीचर जो कि आज तक किसी भी ऐप के पास नहीं है, इसकी गारंटी है। ये आपको मिलेगा नहीं 50 फीचर्स। वो बात अलग है कि ऐप लॉन्च होने के बाद जब आएंगे तो लोग कॉपी कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए किसी के पास भी नहीं है फीचर्स। आप देख लेना, ऐप कुछ देर में लॉन्च हो जाएगा। बात करें विकेट कीपर्स के लिए, उससे पहले तो उस वीडियो को जूस लाइक करने मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ वीडियो जूस लाइक करते, जैसे टीम में क्रिएट करता हूँ और कोई आपको देगा भी नहीं, और ऐसे में जैसे कोई कवर भी नहीं कर रहा है। अगर हम लोग कवर करें तो प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ऑल पर सेट कर दो। तो हो टकर एक अच्छा प्लेयर है, मानता हूँ। मैथ्यू क्रॉस भी ठीक है, दोनों ही अच्छे विकेट कीपर प्लस इनफॉर्म प्लेयर, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। भले मैथ्यू क्रॉस का बैटिंग थोड़ा सा नीचे हो गया है, लेकिन अभी भी तो बैटिंग आ ही रहा है ना, क्योंकि टॉप ऑर्डर इन्होंने वैसे भी ले रखे हैं, तो कमज़ोर सा तो इनकी बैटिंग आ जाएगी। भले वरना बैटिंग अभी नहीं कर रहे, लेकिन 4 नंबर कोई नीचे इन दो मैं कवर करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि इसका विकेट गिनना, एक सेकेंड, इन्होंने ऐड नहीं किया है ना उनको, बट कोई नहीं, मैं तो उसको पिक करके चलो 4 नंबर कोई नीचे नहीं, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर थोड़ा सा वीक सा है, तो अभी के लिए मैं कवर करना प्रेफर करूँगा दोनों विकेट कीपर, क्योंकि विकेट कीपिंग प्लस इनफॉर्म बल्लेबाज है ना, दोनों जल्दीबाजी बिल्कुल आराम से खेलना पसंद करते, दो नहीं एक बार टिक जाते तब दोनों चीटें। देखो एक बार जॉर्ज मुंशी वगैरह रहते तो मैं मान लेता थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता, इनके पास कुछ है ही नहीं, तो अगर मुंशी रहता तो आज संभाल सकता था अच्छी पारी को। उसके अलावा मैं प्रेफर करूँगा, देखो एन एल बैलिंग काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि चलता नहीं है। अगर पहले बैटिंग होता शायद स्कोर कर दे, अगर टीम पहले बैटिंग है तो, अगर टीम पहले बैटिंग करे आयरलैंड तो पिक कर लेना। मैं प्रेफर करूँगा दोनों हीटर, देखो पॉलिस्टिंग पावर हीटर है तो मैं पॉलिस्टिंग के साथ तो जाऊँगा ही, क्योंकि हिट नहीं तो मिस, देखते हैं, लेकिन पॉलिस्टिंग को प्रेफर करूँगा। हैरी टेक्टोर फोना बैटिंग करें, मैं एंड बेल बैरिंग पिक करूँ हैरी टेक्टोर। थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा मोमेंट है, बट मैं पर्स बताऊँ ना, हैरी टेक्टोर अगर टीम पहले बैटिंग तो हैरी टेक्टोर, अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो एन एल बैल बैरिंग, समझ गए ना। थोड़ा सा ट्रिकी टीम क्रिएट क्या करो। फिलहाल के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि अपनी टीम में एंड्रयू बैल बैरिंग के साथ जाते, हैरी टेक्टोर को नहीं पिक कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली पिक कर सकूँ, कभी कल बॉलिंग भी डाल देते हैं और साथ ही साथ 4 नंबर कोई नीचे नहीं, और इनके टीम पहले बैटिंग है तो इनके पिंग को पिक कर लेना। कुछ लोग बोलेंगे कि कैप्टन कोई ड्रॉप करने की बात कर रहे हो, लेकिन मैं बता दूँ चल नहीं रहे ना, फॉर्म खराब चल रहा है इनका। उसके अलावा मार्क एडर पहली बार तो बॉलिंग करे पावर प्ले में, और पावर प्ले में शायद विकेट गिरेंगे, क्योंकि स्कॉटलैंड का टॉप ऑर्डर थोड़ा सा वीक है आज। क्रिस्टस कैंपर काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन की कैप्टन भी कर सकते हैं, है भी कहाँ कोई खास। मार्क वाट काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर है, क्योंकि दसवें बॉलिंग कर रहे हैं। ग्रेट डेली बॉलिंग नहीं कर रहे ना, बैटिंग नीचे है, तो इतना कौन ही पिक करेगा। माइकल इसके साथ जाते हैं, अगर बॉलिंग करते मैं डेफिनेट ग्रेट डेली के साथ जाता। माइकल इसे क्योंकि मिडल ऑर्डर संभाल रहे प्लस बॉलिंग भी डाल रहे हैं ना, उसके लिए क्रिस ग्रिप्स पावर हिटर है, तो अगर बैटिंग कभी मिल गया तो मार लेगा, पहले बोल रहा हूँ। बैरी मैकेटी अच्छा है, बेन वाइट भी अच्छा है, मैं नीचे देख लेते हैं। क्रिस डेली दसवें बॉलिंग करता है काफ़ी सही है, फिनोन एंड भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था आजकल, ये ऑलराउंडर है बंदा फिनोन एंड, आपको पता होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन की तीन ही प्लेयर्स मेरे पास लेने का ऑप्शन है, बट चाहिए 4-5, तो क्या मुझे विकेट कीपर ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर एंड बेलवेरिन या फिर पॉलिसी में किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। बड़े कन्फ्यूजन से मोमेंट है, लेकिन पहले पिक करते तीन प्लेयर्स को फिलअप करते, बैरी मैकेटी प्रिफिक करूंगा, क्रिस सोलिक काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, उस पर दस में बॉलिंग है, फिनोन हैंड या फिर गैविन मैन। देखो फिनोन हैंड रिसेंट मैचेस में आया, जो नेपाल के साथ जो सीरीज चल रहा था, पर याद हुआ नेपाल ए वर्से आइलैंड ए का था, आइलैंड ए वर्से नेपाल का था, उसमें काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में चले थे फिनोन हैंड, तो मैं फिनोन हैंड के साथ जा रहा हूँ, बट अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि फिनोन हैंड अच्छी बॉलिंग कर रहे थे रिसेंटली, तो टीम बन मुझे ज़्यादा ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा हैरी टेक्टोर को अगर आपको पिक करने का मन करता है, आप मुझे बताओ क्या पिक करते हो, हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, पावर हिटर है, अगर फर्स्ट पावर प्ले का विकेट नहीं गिरा ना तो पक्का मार लेगा।
तो मैं पावर प्ले में हार नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए बस पिक करके चल रहा हूँ। अपने हिसाब से तो कुछ अच्छे प्लेयर्स मैं बताता हूँ इसमें से। बेन वाइट काफ़ी अच्छी बॉलिंग, बट लास्ट से बॉलिंग काट लिया गया। ब्रैडी क्यूरी काफ़ी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, उसके अलावा वो भी पावर प्ले बॉलिंग करते हैं ब्रैडी क्यूरी, लेकिन पावर प्ले विकेट में भी ना गिरी, इसलिए मैं पिक नहीं किया हूँ। टीम लेकिन तो सही है, मुझे टीम काफ़ी पसंद है, टीम फॉर से बोल रहा हूँ। हाँ, हैरी टेक्टर की थोड़ी सी कमी महसूस हो रहा है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली, अगर जॉर्ज मुंशी के लिए तो जॉर्ज मुंशी के साथ चल जाना, वो भी बंदा इन फॉर्म है, उसको ड्रॉप की गलती मत करना। कैप्टन से बात अगर टीम पहले बैठे तो टक्कर काफ़ी जबरदस्त ऑप्शन है, क्योंकि कैप्टन पहली बार तो विकेट कीपिंग पॉइंट्स आपको देंगे, प्लस इनफॉर्म प्लेयर है। बट वो सिफर शॉट के लिए लोग मार्केट जा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। हाँ, पावर प्ले बॉलिंग कर रहे, स्टार्टिंग पक्का विकेट चटकेंगे, एक दो विकेट तो पक्का लेके जाएंगे जाएंगे। मैं कैंपर एज ए कैप्टन, क्योंकि बॉलिंग भी कर रहे हैं प्लस फिर बैटिंग भी कर रहे, तो क्या ही चाहिए भाई, बॉलिंग डाल रहे प्लस बैटिंग। डॉकल को पिक किया जा सकता था आज के मैच में, एक दो तीन चार छः, तो बॉलिंग कर सकता है डॉकल, दो तीन ओवर, दो बार बॉलिंग डाल देगा डॉकरेल। तो अगर पिक करा तो देख लेना वाइस कैप्टन, आप माइकल इसके साथ जा सकते हो, या फिर तो अपने हिसाब से देख लो अपना वाइस कैप्टन। मैं अपना वाइस कैप्टन ना मार्क एडर के साथ जाना प्रिफर कर सकता हूँ, अगर टीम पहले बॉलिंग करे। मैं बता रहा हूँ मार्क एडर कैप्टन जो है ना, समझ के, अगर टीम पहले बैटिंग करे, सॉरी पहले बॉलिंग करे, तो अगर टीम पहले बैटिंग तो कैंपर जाना कैप्टन। ध्यान रखना, छोटा सा टिप्स है, बहुत काम के आपके ये। जब टीम पहले बैटिंग है तो क्या करो, कैप्टन में कैंपर के साथ कैप्टन जाना, अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो मार्क एडर के साथ जाना, समझ गए ना। ये छोटी छोटी टिप्स के याद रखना कि कब किसको ड्रॉप करना है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं अपना वाइस कैप्टन माइकल इस थोड़ा सा मैं प्रिफर कर सकता हूँ, क्योंकि पहली बार तो बॉलिंग भी डाल रहा है बैटिंग भी कर रहे, लेकिन वो थोड़ा सा कम हो पाए उस बंदे से बॉलिंग से, मुझे इसलिए मार्केटर के साथ। आप चाहते हो सीवी से रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा तब जब टीम पहले बॉलिंग करे। इस टीम को तब आप यूज़ कर सकते हो जब टीम पहले बैटिंग करे, हालांकि ज़्यादा उन्हें तो ज़्यादा फर्क है, अगर टीम पहले बॉलिंग है तो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन तब पहले बैटिंग रहेगी तो ये कैंपर की बैटिंग आ पाएगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन मार्क एडर, अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो मार्क एडर कैप्टन, वाइस कैप्टन में टीम में फिनोन हैंड भी मुझे बहुत सही लग रहा है, क्योंकि फॉर्म इनका जबरदस्त चल रहा है फिनोन हैंड का। सेम डे कॉन्टेस्ट बुक कर तो सेम टीम के साथ, मैं माइकल इसके साथ भी वाइस कैप्टन जा सकता, लेकिन कभी कभी उनका बॉलिंग कट जाता है इसलिए नहीं किया हूँ कैंपर, लेकिन मेरे कैप्टन है वाइस कैप्टन मार्क एडर है। अगर आपको दो ग्रैनी के लिए जबरदस्त मैच है, पर्सनल ग्रैनी लवर्स है ना, उनके लिए ग्रैनी के लिए जबरदस्त मैच है, कितने सारे कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो। टीम पहले बैटिंग है तो पॉलिस्टिंग पावर हिटर मार सकता है, टकर जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है, बैल वेरिन का फॉर्म खराब, लेके वो कभी भी स्कोर कर सकता है। उसके अलावा फिर नॉन हैंड का टीम पहले बॉलिंग है तो कैप्टन कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शन हैं भाई करने के लिए। चलो मिलते हैं यहाँ पे, सेम टी काउंटर जाकर बुक कर दो, आफ्टर टॉस अपडेट में कर दूंगा। ये स्मॉल की टीम है, बट ग्रैली वालों के लिए बहुत जबरदस्त मैच है, पर्सनली बता रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि ग्रैली की टीम चाहिए तो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करूंगा। और टेलीग्राम पे एक्टिव रहना फाइन टीम के लिए, क्योंकि तो आपको सबसे पहले फाइनल टीम हम ही लोग दे देंगे ज्वाइन कर लेना, मैं आपको सबसे पहले फाइनल टीम दे दूंगा। कमेंट बॉक्स लिंक भी ना, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, तो जो उसे ज्वाइन कर लेना।